अहम खबर, अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम पेशर, ट्रायल का बाकायदा आगाज आज होगा। अरशद शरीफ कत्ल केस का ट्रायल जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में होगा। मजीद जानेंगे हसीब मलिक से। हसीब, आज से ट्रायल का बाकायदा आगाज होगा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस है जिसके अंदर ये अहम पेशरफ हुई है और ट्रायल का बाकायदा आगाज आज होगा। अरशद शरीफ कत्ल केस का ट्रायल जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में होगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने आज केस के दो गवाहान को तलबी के नोटिस भी जारी कर रखे हैं, जबकि अदालत ने मरहूम अरशद शरीफ की अहलिया सौम्या अरशद को आज बतौर गवाह अदालत में तलब कर रखा है। अदालत ने आज अरशद शरीफ के करीबी साथी अली उस्मान को भी बतौर गवाह जो है नोटिस जारी कर रखा है और आज इन दो गवाहान के ऊपर बयानात कलमबंद किए जाएंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस का मुकदमा जो था वो थाना रमना में कत्ल की वफात के तहत दर्ज किया गया था। अरशद शरीफ कत्ल केस में तीन मुल्जिमान बख्शार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक अहमद को नामजद किया गया था और केस के ट्रायल के दौरान तमाम गवाहान और सबूतों को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। ये अहम पेशरफ हुई है और अरशद शरीफ कत्ल केस का बाकायदा ट्रायल का आगाज आज से जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में होगा। तो आज दो गवाहान को तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया हसीम मलिक, हमें आगाह कर रहे थे।